गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। मित्रों, मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बहुत सारे चमत्कारी और प्रचंड शक्ति और ऊर्जा निर्माण करने वाले बीज मंत्रों के बारे में जानकारी दी है, जिनको बोलने से मानव जाति का कल्याण ही कल्याण होता है और क्षण भर में सारे खतरे, परेशानियाँ और पीड़ाओं का निवारण होता है। मैंने ब्रह्मांड के पालनकर्ता श्री विष्णु भगवान के कई शक्तिशाली मंत्रों की जानकारी दी है, जिनका जाप करके हमारे अनगिनत दर्शकों का कल्याण हुआ है। इस अत्यंत कठिन रोग, महामारी और बेरोजगारी के समय में मैं आपको भगवान विष्णु के एक शब्द के मंत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ। इस बीज मंत्र को बोलने के प्रचंड लाभ के बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। यह मंत्र सच्चे साधकों और भक्तों को सब कुछ देता है और क्षण भर में सर्व संकटों का नाश करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। भगवान श्री विष्णु और उनके भक्तों में कोई भी अंतर नहीं होता है। जहाँ सच्चा भक्त होता है वही विष्णु भगवान होते हैं। जब भक्त प्रह्लाद के प्राण खतरे में थे तब भगवान विष्णु श्री नरसिंह अवतार धारण करके कैसे प्रकट हुए, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में फिर से नहीं बता रही हूँ। इस चमत्कारी बीज मंत्र को बोलने से भक्त को अपार धन दौलत और हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति होती है। अगर उसके पास वाहन या मकान नहीं है तो उसे उसकी प्राप्ति होती है। अगर भक्त रोगों, बीमारियों और शत्रु और गुप्त शत्रुओं से पीड़ित है तो इन परेशानियों का जल्द निवारण होता है। अगर भक्त को नौकरी धंधे में परेशानी हो रही है या तरक्की नहीं हो रही है तो यह मुश्किल हटाकर उसे सफलता प्राप्त होती है। अगर साधक घरेलू क्लेशों से पीड़ित है या विवाह होने में रुकावट या विलंब हो रहा है तो यह बाधाएं हट जाती है। इसके साथ साथ साधक को सुख और शांति की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इस बीज मंत्र को साधक अत्यंत शांत चित्त से बैठकर लगभग 5 से 10 मिनट बोल सकता है। मंत्र का वाचिक या मानसिक जाप किया जा सकता है। दिशा, आसन, माला इत्यादि का किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। केवल प्रभु पर श्रद्धा और अटूट भक्ति होना अनिवार्य है। इस बीज मंत्र की साधना से भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है। दम 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 दम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु
सबका कल्याण करेंगे।